अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है आप सबको। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तमाम देखने और सुनने वालों को नोमी सोलर सोल्यूशन की जानब से खुशाबदी। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको 10 किलो वाट के कॉन्ग्रीट सोलर सिस्टम के बारे में बताएंगे, इसके प्रोडक्शन के बारे में, इसके कॉस्ट के बारे में और सारी डिटेल के बारे में बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको कम्प्लीट वीडियो में पूरी इंस्टॉलेशन दिखाते हैं, इसके पैनल इंस्टॉलेशन और बाकी चीज़ें साथ साथ आपको दिखाते हैं, एंड में आपको इसका कम्प्लीट रिव्यू देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर सेट का काम शुरू कर दिया है। आप देख सकते हैं सेट पर काम शुरू है, और सेट पे सबसे पहले हमने यहाँ पर क्योंकि टैग्स लगी हुई थी तो इस वजह से हमने यहाँ पर इसकी फिटिंग वगैरह करके इसमें आरसीसी में रबर बोर्ड के लिए यहाँ पर थोड़ी बहुत फिटिंग कर ली है ताकि इसकी मजबूती बरकरार रहे। आप देख सकते हैं इसके मेजरमेंट्स वगैरह, पैनल की बाउंड शुरू हो चुकी है और कुछ पोज इसके खड़े हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि ताकि इसकी स्ट्रक्चर का काम आप देख सकें कि कंप्लीट हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। आगे हम आपको दिखाते हैं इसकी वेल्डिंग वगैरह का, और अभी आप ये देख सकते हैं कि पैनल की चैनल्स पर पैनल को माउंट कर दिया गया ताकि कंप्लीट एक स्ट्रक्चर को अगर ठीक उठाया जा सके और इन पर लगाया जा सके। शेड का काम तकरीबन ऑलमोस्ट पोल खड़े हो चुके हैं और इस पर अब बारिया पैनल्स को रखने की। तो अभी हम पैनल इंस्टॉलेशन की बारी पे आते हैं। अभी इसके ऊपर पैनल रखते हैं, और अभी हमने तकरीबन ऑलमोस्ट एक लाइन रख दी है और बाकी चैनल्स और गार्डर वगैरह कंप्लीट है। और इसके अलावा हम अभी हम इसके ऊपर पैनल रखेंगे। आप देख सकते हैं कि हमने पैनल्स उठा लिए हैं और इसके ऊपर तीन तीन करके एक साथ पैनल को माउंट करेंगे। काफ़ी हैवी थे ये, लेकिन वीडियो फास्ट करने की वजह से या शायद फील ना हो, लेकिन ये बस हमने अभी माउंटिंग का काम शुरू कर दिया है। अभी इसको हम लेफ्ट पे मूव करेंगे ताकि एक और लाइन के लिए हमारे पास जगह बरकरार रहे। अभी क्योंकि लड़कों ने इसे लेफ्ट पे कर दिया है, और बाकी इसकी हल्की फुल्की वेल्डिंग अभी हम साथ साथ करेंगे ताकि आगे स्लिप होकर आगे फ्रंट पर ना गिरे, किसी को जानी नुकसान ना हो। इसके बाद हम करेंगे इसकी नेक्स्ट लाइन लेकर आएंगे ताकि इसकी नेक्स्ट लाइन भी रखी जा सके। ये लड़के अभी अपना ये वर्ल्ड का काम पूरा कर लें, उसके बाद अभी हम दूसरी लाइन उठाएंगे, दूसरी लाइन लेकर आएंगे ताकि ये बाकी फर्दर शेड हमारा कंप्लीट हो सके। अभी हम लेकर आए इसकी दूसरी लाइन को, और अभी हम दूसरी लाइन को इसके ऊपर रखने लगे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं दूसरी लाइन हमने इसके ऊपर रख दी है, और अब इसको माउंट करने की बारी है। एक एक बंदा हमारा ऊपर रखे वेल्डिंग का काम करेगा, बाकी इसके फर्दर काम करेंगे। ऑलमोस्ट सारा शेड फाइनल हो चुका है। इसकी कंप्लीट रिव्यू अभी हम थोड़ी देर बाद आपको देंगे कि इसमें क्या क्या सामान इस्तेमाल हुआ है, उसकी कॉस्ट क्या है। वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। अभी आप देख सकते हैं कि शेड ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है, शाम का टाइम है। इस पर पेंट रोगन का काम जारी है, पेंट वगैरह का हो रहा है ताकि इस पर इसको डस्टिंग वगैरह से बचाया जा सके। इसके ऊपर इसके पेंट हो रहा है, साइड पर हमें कुछ क्रॉस वगैरह लगाए हैं कि आप हमारा ओवरऑल पूरा शेड भी देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, हमने इसके सिविल वर्क करवाए हैं, सिविल ब्लॉक्स बनाए हैं ताकि इसकी फर्दर वाटर सीपेज वगैरह से रोका जा सके। अब हम आपको इसकी कंप्लीट रिव्यू देखते हैं, दिखाते हैं कि शर्ट सामने से किस तरह दिख रहा है और बाकी कंप्लीट होने के बाद किस तरह है। यह अब हमारा शर्ट कंप्लीट रिव्यू, यह अब हमारा कंप्लीट हो चुका है शर्ट। आप देख सकते हैं कल जो जिस पे काम शुरू किया गया था, ये हमारा 10 किलोवाट का एक ऑन ग्रिड सिस्टम है, आप देख लें। और ये सारा कंप्लीट हो चुका था कल, जिसको आपने वीडियो में भी देख चुके हैं। इसमें जो हमने पैनल इस्तेमाल किए हैं, जे सोलर 545 वाट के पैनल इस्तेमाल किए हैं, जो कि 19 पैनल्स हैं जे सोलर 545। और इसमें इन्वर्टर हमने गुडवी का इस्तेमाल किया हुआ है, गुडवी का 10 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम इस्तेमाल किया हुआ। दिखाती है हमारे पास ऑन ग्रिड गुडवी सिस्टम है, इसके साथ हमने 3 बॉक्सेस इंस्टॉल किए हैं। गुडवी 10 किलोवाट सिस्टम और इनके 3 ये बॉक्सेज हैं। इसमें एक मेन एसी ब्रेकर, एसी एसपीडीज और डीसी एसपीडी इस्तेमाल की गई है। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। शुक्रिया।